हेलो एवरीवन, तुहाडा सारिया का स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी ते। हाँ जी, जनरल साइंस का जिहड़ा चैप्टर हैगा साढ़े आले दुआले दे पदार्थ, तो इस चैप्टर के जिन्हें भी इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो आप डिस्कस करांगे। इस तो अलावा जेकर तुसी आ चैप्टर बिल्कुल बेसिक नाल समझना है साढ़े आले दुआले दे पदार्थ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तुहानू लिंक मिल जाएगा। उस विच आ जिहड़ा चैप्टर हैगा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स बिल्कुल बेसिक नाल समझाया होया है, उस तो तुहानूं बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगी। उस तो बाद तुसी जिहड़े दे वन लाइनर क्वेश्चन वेख सकते हो। नाल इक गल होर, जेकर तुसी साडे चैनल ते फस्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो, तो नाल लगे बैल आइकन नूं भी प्रेस करो ता जो तुहानूं साडी हरेक नवीं वीडियो दी नोटिफिकेशन टाइम नाल मिल सके। तो वीडियो नूं लाइक करो ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करियो। स्टार्ट करते हैं जी आज दी वीडियो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो। साढ़े आले दुआले दियाँ वस्तुआं किस कारण वक्त दिखाई देंदियां ने? तो साढ़े आले दुआले दियाँ जिहड़ी वस्तुआं ने वो आकार आकृति अते बनावट विच वखरेवें दे कारण ये सानू भिन्न दिखाई देंदियां ने। हाँ जी फ्रेंड, ये जिहड़ा चैप्टर हैगा ये हैगा साढ़े आले दुआले दे पदार्थ, इसते आपां वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हाँ। जेकर तुसीं आ चैप्टर पूरा डीपली वेखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो का मैं लिंक दे दाँगा, उस विच की है जिहड़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पूरा चैप्टर कंप्लीट हैगा, उत्थे तुसीं इस चैप्टर नूं बेसिक नाल समझ सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं, पदार्थ किस नूं कहिंदे हन? तां विश्व की हर वस्तु जिस तों समग्री बनती है, जो स्थान घेरदी है, जिसका पुंज होंदा उसनों आपां की कहांगे पदार्थ। यानी कि मैटर की हुंदा है कि विश्व च कोई भी वस्तु जिंदा अपना की होवे पुंज होवे ते ओह की घेरदी होवे स्थान घेरदी होवे उहनों आपां की कहांगे पदार्थ कहांगे। नैक्सट क्वेश्चन वल चलते हाँ। नैक्सट क्वेश्चन दिता पदार्थ के पंज उदाहरण लिखो, तो पंज उदाहरण ने हवा, भोजन, पत्थर, जल ते पौधे। ये पंजों की ने पुंज हैगा इन्हों का सारिया का, तो ये स्थान घेरते हैं, इसलिए इन्हों आप कहोंगे पदार्थ। नैक्सट क्वेश्चन दिता है, पंज तत् किसू कहते हैं? तो पहला की सी पदार्थ को मानते सी कि यह पंज तत्तों मिलकर बनया होंगे, तो की आंसर है इसका? साढ़े देश के प्राचीन दार्शनिका ने सारिया वस्तुओं बनाने वेले पदार्थ को पंज तत्तों में वर्गीकृत किया सी, जिसनों पंज तत् कहते सन। तो पंज तत् किहड़े सन? नैक्सट क्वेश्चन में दिता हुआ है पंज तत् किहड़े किहड़े हैं? तो पहले जिहड़े विज्ञानिक सी ओह मनते सन कि हवा, धरती, अग, पानी अते आकाश नाल मिलकर की बनिया हुंदा है पदार्थ, पर असल विच पदार्थ है जिहड़ा तीन चीज़ां नाल बनिया हुंदा है, छोटे छोटे एटम नाल, जिवें आ कोई पदार्थ हैगा आ छोटे छोटे एटम नाल इस तरह मिलकर बनिया हुंदा है। तो आ एक आपां एटम की एग्जाम्पल ले ली, एटम च की हुंदा है? सेंटर च हुंदा है प्रोटोन जिंदे उत्ते प्लस चार्ज हुंदा है, तो न्यूट्रॉन जिदे उत्ते कोई चार्ज नहीं, तो इसके बाहर सर्कल विच इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमते हैं। तो जिहड़ा एक पदार्थ है छोटे छोटे कणा नाल मिलकर बनया हुंदा है, तो एक कण नूं आपां की कहिंदे आ एटम। तो एटम विच किस तरह का चार्ज हुंदा है? सेंटर विच की हुंदा है प्रोटोन ते न्यूट्रॉन, तो बाहर हुंदे ने जी इलेक्ट्रॉन। नैक्सट क्वेश्चन वल चलते हैं, हाँ जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता है, यूनानी दार्शनिक किन्ने तत्तों को मूल मानते सन? तो यूनानी दार्शनिक से जड़े वो चार तत्तों को मूल मानते सन। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, यूनानी दार्शनिकों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले चार मूल तत्तों के नाम लिखो। तो ये मूल तत् सन धरती, अग, हवा ते पानी, इन्हां चार तत्तों को वो मूल मानते सन। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, आधुनिक विज्ञानी पदार्थ को किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं? जो आधुनिक विज्ञानी ने वो पदार्थ को किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं? तो आधुनिक जो विज्ञानिक ने वो भौतिक गुणा ते रसायणिक प्रकृति नाल जो पदार्थ को वर्गीकृत करते हैं। जेकर आप गल करिए भौतिक गुणा विच, तो भौतिक अवस्था विच पदार्थ को ठोस, द्रव ते गैस विच मनते हैं,
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਟਮਸ। ਐਟਮਸ ਅਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇੱਕ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੈਂਗਨੇਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸੂਖਮ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਖਮ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਰੰਗੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਨਾਲ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ, ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਮਕ, ਚੀਨੀ, ਡਿਟੋਲ ਆਦਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਕ, ਚੀਨੀ, ਡਿਟੋਲ ਆਦਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਮਕ, ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਟੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਮਕ, ਚੀਨੀ, ਡਿਟੋਲ ਆਦਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੋਸ, ਦਰਵ ਅਤੇ ਗੈਸ। ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਠੋਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਏਟਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਪਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਜ ਊਰਜਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਰਵ ਦਾ, ਦਰਵ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਲੀਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੈਂਸ ਦਾ, ਗੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੁਲਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੈਂਸ ਦੇ ਕਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਗਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਮਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਮਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਮਕ ਦੇ ਕਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਵਿਚਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਐਟਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਮਕ ਦੇ ਕਣ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਮਕ, ਚੀਨੀ, ਡਿਟੋਲ ਆਦਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिता है, पानी विच शहद की शुद्धता किस प्रकार परखी जा सकती है। हाँ भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। पानी विच शहद की शुद्धता किस प्रकार आप परख सकते हैं। की कहता है, जे पानी विच शहद एक रेखा जां एक तार के रूप से डिगदा है तां इह शुद्ध मनिया जाएगा। जदों पानी विच आपां शहद डालते हैं तो की है, एक तार के रूप में पैंदा है, तो इसनों आपां की मानते हैं जी, कि शहद है जिहड़ा शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तापमान वधाउण दे नाल कणां ते की असर पैंदा है। जदों जिवें आ पानी है, आपां पानी नूं गर्म करदे हाँ तां इहदे कणां विच की असर पवेगा, तां उहनां दी गतिज ऊर्जा वध जाएगी। सेम है जिवें आपां ठोस हैगी है, बर्फ हैगी, उहनूं आपां गर्म करनी स्टार्ट करती तां उह की है, द्रव बनेगी पहलां, फिर की बनेगी, गैस। तां आपां पहलां ही पढ़ चुके हां कि गैस विच की है जिहड़ी गतिज ऊर्जा उह बहुत ज़्यादा हुंदी है, ते द्रव विच ठोस तों ज़्यादा। इसी तरह आपां जदों इहनूं गर्म करांगे, हीट देवांगे, हीट दे नाल की है, इहनां दी कणां दी काइनेटिक एनर्जी वध जाएगी, ज़्यादा तेजी नाल जिहड़े मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील किस कारण रहते। पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा के कारण जोड़े गतिशील रहते हैं। आप पहले ही गल की है कि पदार्थ के जो कण होंगे ने उन्होंने केड़ी एनर्जी होंगी है जी, काइनेटिक एनर्जी होंगी है। तो इसका फॉर्मूला की होंगे काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv². फ्रेंड फिर तो रिपीट कर रहा, जेकर तुसी आ चैप्टर बेसिक नाल समझना है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो का लिंक दिता होगा, उस विच पूरा डीपली तुहानू समझाया गया चैप्टर बारे, तां जो तुसी बाद से ऑब्जेक्टिव जिहड़े क्वेश्चन होणगे वो ईजीली कर सको। नैक्सट क्वेश्चन हैगा है, विसरण किस नूं कहिंदे हन। तो विसरण की है, दो वक् वक् पदार्थ के कण अपने आपस में मिलन नूं की कहिंदे ने, विसरण। जिवें दो तरह के अपने कोल पदार्थ ने, इन्हां दे एटम ने जिहड़े मोलीक्यूल्स ने, आपो आपस विच जे मिल जाण तां इहनूं आपां की कहांगे, विसरण। इस कंडीशन नूं आपां की कहांगे, विसरण। हाँ जी फ्रेंड, एक गल होर, जेकर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो तां चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करियो, ते नाल लगे बैल आइकन नूं जरूर प्रेस करियो। ते बैल आइकन नूं प्रेस करन तों बाद इत्थे 3 ऑप्शन आणगे, उस विच तुसीं ऑल ते क्लिक करना है, तां जो तुहानूं साडी हरेक वीडियो दी नई नोटिफिकेशन जिहड़ी टाइम नाल मिल सके। ते वीडियो नूं लाइक करियो जेकर तुहानूं पसंद आ रही है, क्योंकि तुहाडे एक एक लाइक दे कारण सानूं हौसला मिलदा जी वीडियो बनाउण दा। ते वीडियो नूं ज़्यादा तों ज़्यादा शेयर करियो अपने दोस्तां नाल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ते शेयर करियो। नैक्सट क्वेश्चन वल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता है, गर्म करन ते विसरण ते की असर पैंदा है। गर्म करन ते विसरण दी जिहड़ी गति है उह तेज हो जाती है। ओही गल हैगी जी, जदों आपां पदार्थ नूं गर्म करदे हाँ तो की है, मोलीक्यूल की गति वधदी है। ओही सेम केस है, तां मोलीक्यूल्स की गति वधेगी तां विसरण की भी गति है जिहड़ी तेज हो जाएगी। नैक्सट क्वेश्चन वल चलते हाँ, पदार्थ के कणां ते बल का की असर पैंदा है। जिवें आपां कोई पदार्थ है, उस विच आपां उत्ते फोर्स पाईए, उहदे उत्ते आपां जे फोर्स पाईए तां की है, की असर पवेगा कणां दे उत्ते, उहनां दे मोलीक्यूल्स दे उत्ते की असर पवेगा। तो की आंसर है, बल, ये बल कणां नूं परस्पर जोड़ के रखता है। तो की है, परस्पर जिहड़ा जोड़ के रखता है, पदार्थ दे कणां ते बल की असर पाउंदा है, तो की है, ये कणां नूं परस्पर जोड़ के रखता है जी। जदों आपां किसी जिवें लोहे का टुकड़ा है, उहदे उत्ते आपां जे फोर्स पाईए तो की है, जे कणां नूं जोड़ के रखता है इस तरह। नैक्सट क्वेश्चन की हैगा, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ दीयां अवस्था किन्नियां हन। जे आपां पहलां ही गल कीती सी, जे भौतिक अवस्था की गल करिए तां पदार्थ दीयां 3 अवस्था दित्तियां होईयां ने, ठोस, द्रव अते गैस। इस तों इलावा चौथी अवस्था हुंदी है जी प्लाज्मा, ते पंजवीं हुंदी है BCG। नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, ठोस पदार्थ विच 3 गुण लिखो। जिहड़े ठोस पदार्थ होंदे ने उहनां दे 3 गुण दसणे आपां। की कहिंदा जी, ठोस पदार्थ दा निश्चित आकार हुंदा है। हांजी, जिवें लोहे दा आपां टुकड़ा ले लेता तां इहदा जिहड़ा की आकार आ उह निश्चित होवेगा। नैक्सट की है, स्पष्ट सीमावां, तां इहदी सीमावां भी उह की है, स्पष्ट होणगीआं। तीजा दित्ता, स्थिर आयतन, तां इहदे आयतन विच भी कोई फर्क
नहीं पवेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बल लगाउन ते ठोस पदार्थ ते की असर पवेगा। जेकर आपां कोई ठोस पदार्थ है उहदे उत्ते आपां बल लगा रहे हैं तो की असर पवेगा, तो बल लाउन ते ठोस अपना आकार बनाई रखते हैं। कहने का मतलब उहदे ते कोई असर नहीं पवेगा, एवें नहीं कि आपां ठोस ते बल पाईए तो इहदे विच जिहड़े मोलीक्यूल्स ने वो की है अपनी गति चेंज कर दें, इस तरह कुछ नहीं होएगा। पर की हो सकता जेकर आपां वधेरे बल लगाएंगे तो यह टुट भी सकते हैं तो अपना आकार नहीं बदलते। हाँ जी, जिवें लोहे का टुकड़ा है वह टुट सकता है पर उनका जिवें शेप नहीं बदलेगी, जिवें एवें नहीं कि उनके जो मोलीक्यूल्स ने वो ज़्यादा मूव करन लग जाए जिवें द्रव बन जाए, इस तरह नहीं होएगा, उनकी शेप उवें रहेगी। नैक्सट क्वेश्चन की है, रबड़ नूं खिंच के उसका आकार बदलिया जा सकता है तो फिर ठोस नूं क्यों नहीं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिवें आपां रबड़ नूं तां खिंच के उनका आकार बदल सकते हैं पर एक लोहे के टुकड़े को खिंच के उनका आकार क्यों नहीं बदल सकते। कि कहिंदा रबड़ ते बल लाउण नाल इह अपना आकार बदल लैंदी है ते पर की है बल हटाउण ते मुड़ अपना मूल रूप प्राप्त कर लैंदी है। जिवें कोई स्प्रिंग हैगा या फिर कोई रबड़ हैगा और आपां जदों खिंचीए तां इह आकार बदल लैंदी है, पर जदों फोर्स आपां छड्ड दिंदे हां बल छड्ड दिंदे हां तो वापस अपने आकार विच आ जाती है। वधेरे बल लाउण नाल इह टुट भी जाती है, ये इसलिए ये ठोस है। की कहिंदा जी, ठोस विच की हुंदा है? हाँ जी, ठोस विच जदों आपां ज़्यादा बल लावांगे तां की है ये टुट जाता है। हुणे आपां पढ़िया सी कि जिवें लोहे का टुकड़ा ज़्यादा फोर्स लावांगे तो टुट जाता है, इसलिए ये ठोस है। तो क्लीयर हो गया जी कि जे आपां रबड़ नूं खिचीए तां की है वो वापस छड्डण नाल वापस अपने पोजिशन ते आ जाता है। तो एक गुण की हुंदा जी, इहदे विच हुंदा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी उहनूं कहिंदे ने, वो डक्टिलिटी का गुण होंगे जिवें आपां किसी वस्तु को जिवें स्प्रिंग है स्प्रिंग में खिंच के तो वापस छड़िए तो वह अपनी पोजिशन से आ जाता है, उन्होंने कहें डक्टिलिटी, यानी कि जो लचकीलापन होंगे उनके विच उन्होंने कहें डक्टिलिटी। नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता है, चीनी नमक शक्कर आदि नूं जिहड़े बर्तन विच रखते हाँ वह उसी बर्तन का आकार ले लेंदे हन पर फिर भी ये ठोस क्यों नहीं कहाउंदे। दैन आंसर की हैगा जी, चीनी नमक शक्कर आदि नूं जिहड़े बर्तन विच रखदे हाँ वह उस बर्तन का जिहड़ा आकार ले लैंदे हन पर फिर भी ठोस नहीं कहाउंदे क्योंकि इन्हां दे क्रिस्टलां दा आकार नहीं बदलता। जिवें चीनी हैगी है, चीनी दे छोटे छोटे क्रिस्टल होणगे, इन्हां दा क्रिस्टलां दा जिहड़ा आकार नहीं बदलता, इस कारण इन्हां नूं आपां की है ये ठोस कहाउंदे हन। नैक्सट क्वेश्चन की हैगा, स्पंज दा नपीड़ना संभव क्यों है। स्पंज का नपीड़ना जिहड़ा संभव क्यों है, जिवें स्पंज हैगा उहनूं आपां पानी नाल भर लैंदे हां पर बाद च उहनूं नपीड भी सकदे हां, क्यों हुंदा जी। स्पंज का नपीड़ना इस विच मौजूद छेकां विचली हवा ते बाहर निकलण कारण संभव हुंदा है। जिवें इस तरह स्पंज बणिआ इस विच की है मोलीक्यूल्स होणगे पर की इस विच छोटे छोटे छेक हुंदे ने जिस कारण इहनूं नपीड़ना संभव हुंदा। नैक्सट क्वेश्चन की हैगा, द्रव किसनों कहते हैं। द्रव निश्चित आयतन वाले पदार्थ हैं जिन्हां विच वगण का गुण हुंदा अते ये आकार बदलते हैं। हाँ जी, द्रव का निश्चित आयतन वाले पदार्थ होंदे हैं जिन्हां विच वगण का गुण हुंदा अते ये आकार भी बदलते हैं। आई होप सारियां नूं पता होगा द्रव बारे। नैक्सट क्वेश्चन की हैगा, जल के किस गुण कारण जली जीव जीवित रह सकते हैं। कि जल के किस गुण कारण जली जीव हैं वो जीवित रह सकते हैं, तो वातावरण में मौजूद आक्सीजन जी है वो गैस विसरित होकर पानी में मिल जाती है, विसरित होकर पानी में मिल जाती है जो जली जीव जंतुओं को जीवन लिए जरूरी होती है। नैक्सट क्वेश्चन की हैगा जी, पानी में कैड़ी गैस विसरित होकर पौधे लिए जरूरतों की पूर्ति संभव की पूर्ति कराती है। तो हमने पढ़िया अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन दिता है, द्रव विच किन्ना किन्ना दा विसरण संभव हो सकता। कि मतलब द्रव विच आपां की कुछ मिला सकते हैं, तो द्रव विच ठोस द्रव अते गैस तिन्ना दा विसरण हो सकता है। ठोस के रूप में जिवें चीनी नमक आदि वो छोटे छोटे क्रिस्टलां नाल बनी हुंदी है, उन्हों भी आपां पानी विच मिक्स कर सकते हैं तो द्रव नूं आपां कर ही सकते हैं। तो तीजा किता है गैस, जिवें पानी विच तां गैस हुंदी है हाइड्रोजन इस तरह वो मिक्स हुंदी है, तां की आंसर हैगा द्रव विच ठोस द्रव ते गैस तिन्ना दा विसरण हुंदा। अज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी, ठोस की तुलना में द्रव विच विसरण की दर वधेरे क्यों होंगी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी,
ठोस की तुलना में जी द्रव में विसरण की दर वधेरे क्यों होंगी है। तो की कहता जी, ठोस की तुलना में द्रव में पदार्थ के कण आजाद रूप में होंगे हैं जो कि गति करते हैं, उन्होंने कणों में खालिता भी बहुत होंगी है। हाँ जी, की कहता है कि ठोस की तुलना में द्रव में पदार्थ के कण आजाद रूप में होंगे। हमने आप पढ़िया कि ठोस में कण जोड़े काफ़ी नज़दीक होंगे ने, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी घट होंगी है। इस तरह द्रव में की है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो क्योंकि उन्होंने कण जोड़े ज़्यादा दूर दूर तक होंगे ने। यही कारण है कि उन्होंने विसरण की दर बधेरी होंगी। तो दोस्तों अज की वीडियो इतनी समाप्त करते हैं। वीडियो जेकर तुहानू वधिया लगी है तो वीडियो में लाइक करो तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। जेकर चैनल पर तुम नवे हो तो चैनल में जरूर सबसक्राइब करो तो नाल लगे बैल आइकन को भी प्रेस करो ता जो थानू साड़ी हरेक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नाल मिल सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो से, उदों तक दे टेक केयर।